हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कला एवं संस्कृति का डिस्कशन कर रहे थे, जो कि यूपीएससी प्री और मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आज इसी कड़ी में जो हमारा लेक्चर 3 होगा उसमें हम नाट्य कला को डिस्कशन करेंगे। यानी दोस्तों, इसके पहले के जो लेक्चर हो चुके हैं उसमें हमने कठपुतली कला के बारे में डिस्कशन की थी और देखा था कि यूपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, और आज इसी क्रम में आज हम देखेंगे कि नाट्य कला में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और आपकी तैयारी जो होगी जब आप नितिन सिंघानिया को पढ़ रहे होंगे तो किस प्रकार करेंगे। तो आगे बढ़ने से पूर्व एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको देख सकते हैं, और आप हमें नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं t.me/upscHindiwithGaurav पे, जिसमें आपको UPSC के विभिन्न टेस्ट सीरीज और अन्य निःशुल्क मटेरियल्स फ्री में उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों, हम सीधे अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आपको कुछ तथ्य इस लेक्चर में ध्यान देने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होते हैं। पहली चीज कि UPSC किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकती है ऐसे नाट्य कलाओं से। तो पहली चीज़, UPSC का जो आपने सिलेबस देखा होगा, जो हमने सबसे पहले लेक्चर में जब हमने इस जो सीरीज़ थी उसकी शुरुआत की थी तो उसमें हमने बात की थी, उसमें लिटरेचर वाली जो चीज़ें हैं, लिटरेचर वाला जो सिलेबस का हिस्सा है उसमें वो UPSC क्या करती है, जनरली कृतियाँ और उनके लेखक, इसका मैथ्स द कॉलम पूछती है। तो आपको उसके अनुसार तैयारी करनी है, जैसे अभी हम देखेंगे आगे। फिर जो दूसरे तरह का प्रश्न बनता है वो यह बनता है कि ये नाट्य कलाएँ, जो नाट्य कलाएँ हैं या लोक नाट्य हम कह सकते हैं, वह देश के किस हिस्से से संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरा जो कि प्रश्न सबसे टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट प्रश्न माना जाता है, यूपीएससी आपको एक नाट्य कला का नाम देती है और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स देती है और पूछती है कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो इस प्रकार के प्रश्न, तीन तरह के प्रश्न इस जो सब्जेक्ट मैटर है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उससे बनते हैं, तो आपको दिमाग में वही फोकस रखना होगा। तो हम शुरुआत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफाएं, जो कि छत्तीसगढ़ में उपस्थित हैं, वह विश्व की प्राचीनतम रंग भूमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी यहां पे कई रंगमंच रहा होगा जहां पे नाट्य कलाएं होती रही होंगी। जो सबसे पुराना जो भारतीय जो शास्त्रीय नाट्य परंपरा है उसका जो सबसे पुराना और पहला औपचारिक नाट्य का ग्रंथ है उसका नाम है भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र। तो आपको पहली चीज ये याद रखनी है, इसमें ध्यान रखनी है कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वह सबसे पहला नाट्य कला पर रचित औपचारिक ग्रंथ है। इसमें दोस्तों जो बात कही गई है, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की थी, नाट्य शास्त्र की रचना ब्रह्मा जी ने ही की थी, और जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को मिलाकर ब्रह्मा जी ने एक नया वेद रचा था। आगे हम देखते हैं दोस्तों, जो प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं, इतिहास नाट्य कला का और कुछ प्रमुख कृतियाँ। तो आपको सीधे सीधे कृतियों को याद रखना है और आपको क्या करना है, कुछ अगर उनकी कृतियों में कुछ विशेषताएं उत्पन्न हुई हैं तो उसको ध्यान में रखना है। तो देखिए, जैसे विख्यात दार्शनिक अश्वघोष द्वारा रचित सारिपुत्र प्रकरण पहला, जो आपको ध्यान में रखना है, इसको संस्कृत नाट्य रचना का प्रथम उदाहरण माना जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह संस्कृत नाट्य रचना का प्रथम उदाहरण है। क्या नाम है इसका, सारिपुत्र प्रकरण। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है, शूद्रक का मृच्छकटिकम। और शूद्रक का मृच्छकटिकम क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि शूद्रक ऐसे प्रथम रचनाकार थे जिन्होंने क्या किया था, नायक नायिका के अतिरिक्त पहली बार एक खलनायक को भी सम्मिलित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, जो शास्त्रीय संस्कृत नाट्य कला थी प्रायः उसका अंत सुखांत होता था, यानी हमेशा जो नायक है वो विजयी रहता था और नायक के सामने कोई रहता नहीं था, नायक खुद ही जो वीर का था। आपने जो बाहुबली टाइप की जो मूवीज़ देखी होंगी कि नायक एक तरह से ही एक तरफ से सारे दुश्मनों को हराते जाता है, तो वैसा पहले होता था। लेकिन जो शूद्रक थे, शूद्रक ने पहली बार क्या किया, अपने बाहुबली में भल्लाल देव को भी शामिल किया, यानी खलनायक को भी पहली बार शूद्रक ने अपने नाटकों में सम्मिलित किया। तो इसको ध्यान में रखें। इसके बाद कालिदास की कुछ प्रमुख कृतियां हैं जिसमें मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम प्रमुख हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है,
भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित और महावीर चरित, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस और हर्षवर्धन द्वारा रचित रत्नावली। तो आपको देखिए भवभूति, विशाख दत्त, तो आपके एक मैं मार्किंग कर दूँ अगर दो, यहाँ पे तीन, कालिदास हो गए चार, शूद्रक हो गए पाँच और अश्वघोष हो गए छः। तो आपको छः नाटककार और उनकी रचनाओं के बारे में अवश्य ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे प्रश्न पूछती है यूपीएससी। इसके बाद हमने नाटक देख लिया, अब हम देखते हैं लोक नाट्य कला। और वर्तमान अगर आप यूपीएससी का पेपर देख रहे हैं, कुछ सालों में यूपीएससी ने इस हिस्से से प्रश्न अधिक बनाए हैं और वह सीधे सीधे प्रश्न सिंपल होते हैं, सीधे वो नाट्य कलाओं का नाम देता है और पूछता है किस राज्य से संबंधित है। तो हम उसी पैटर्न पे इसको पढ़ेंगे भी। जो लोक नाट्य कलाएं हैं वो मुख्यतः ग्रामीण जीवन शैली से संबंध है और यहाँ पर मनोरंजन का एक प्रमुख साधन है। और जो ये लोक नाट्य कला थी, जो इनकी उत्पत्ति हुई, प्रारंभ में भक्ति के विषय से ये उभरी हैं, क्योंकि भक्ति आंदोलन ने इन नाट्य कलाओं के जो उत्पत्ति है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भक्ति आंदोलन में आप देखेंगे कि जो भक्ति का प्रसार था वह स्थानीय भाषाओं, स्थानीय नाट्य परंपराओं का उपयोग करके ही किया गया था। और यही जो लोक नाट्य कलाएं हैं प्रारंभ में भक्ति विषय से उभर के पंथ निरपेक्ष हो चुकी हैं। और इनको हम मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहली है अनुष्ठानिक नाट्यकला, दूसरी है मनोरंजन नाट्यकला और तीसरी है दक्षिण भारतीय नाट्यकला। तो दोस्तों, जो आज का हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अनुष्ठानिक नाट्यकला के बारे में पढ़ेंगे और जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम मनोरंजन नाट्यकला और दक्षिण भारतीय नाट्यकला के बारे में हम उसमें देखेंगे। और जो यूपीएससी के प्री और मेन से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उसमें हम सेकेंड लेक्चर के पार्ट में देखेंगे। तो अनुष्ठानिक नाट्यकला के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अंकिया नट कला, रामलीला, रासलीला, भूत, रमन, इसके बारे में समझते हैं। देखिए अंकिया नट, और आपको मैं केवल वही चीज़ें बताऊंगा जो कि यूपीएससी में सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो देखिए अंकिया नट में आपको क्या ध्यान में रखना है, असम का एक परंपरागत एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है कि एक ही नाटक में पूरा जो कथा है, पूरा जो कहानी है वो समाप्त हो गई, उसके लिए दूसरा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो अंकिया नट है इसका आरंभ प्रसिद्ध वैष्णव संघ शंकर देव द्वारा और उनके शिष्य महादेव के द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था। आपको पता हो कि शंकर देव एक प्रमुख वैष्णव संत थे जो कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में इन्होंने सत्रिया, जो कि असम की शास्त्रीय नृत्य है, इसके माध्यम से इन्होंने भक्ति का प्रसार किया था, भक्ति आंदोलन का प्रसार किया था। और सत्रिया इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह असम के सत्रों में, यानी जिसको मठ भी हम कहते हैं, असम के मठों में इन्होंने विशेष प्रकार के नृत्य किए थे, जिनको वहाँ पे कई जो नृत्यांगनाएँ होती थी उनको महरिस कहा जाता था। ये अभी आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे। आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि शंकर देव के बारे में, कि शंकर देव ने ये जो अंकिया नट है इसका प्रारंभ किया था। और अंकिया नट में क्या होता है, कृष्ण की जीवन लीलाओं की चर्चा होती है, इसका चित्रण किया जाता है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि खोल एवं करताल का वाजन होता है और मुखौटों का प्रयोग होता है। तो आपको इसमें चार चीज़ें याद रखनी है। पहली कि ये अंकिया नट असम का है, शंकर देव द्वारा प्रारंभ किया गया था, खोल और करताल बजाए जाते हैं और मुखौटों का प्रयोग होता है। तो ये चार चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो दूसरा है अनुष्ठानिक नाट्यकला का, रामलीला। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपने देखा होगा कि दशहरा के पूर्व अवधि में राम के जो जीवन से संबंधित घटनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में की जाती हैं। और जो इसकी विशेषता प्रमुख है वह यह है कि इसे प्रायः पुरुष अभिनेताओं द्वारा ही किया जाता है, यानी सीता, शूर्पणखा, उर्मिला, जो भी जो अभिनेता हैं, सभी जो पुरुष अभिनेता हैं, सभी पात्रों की भूमिका वही निभाते हैं। अगला है रासलीला। रासलीला गुजरात क्षेत्र में है और ये राधा और कृष्ण के रास, यानी जो प्रेम कहानियाँ होती हैं, उनका नृत्य नाट्य मंचन होता है। तो आपको ये याद रखना है तीसरा। इसके अलावा भूत, जो चौथा हमारा होगा वो भूत होगा। भूत कर्नाटक के कन्नड़ जिले में मृत पूर्वजों की आराधना का एक परंपरागत प्रथा है, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों जो पाँचवा, लेकिन सबसे, अगर मैं बात करूँ अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है रमन। रमन उत्तराखंड में
पहली बात आपको ध्यान में रखना होगा कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का एक कर्मकांडी नाटक है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जो दूसरा स्टेटमेंट है, यह स्थानीय देवता भूमियाल को समर्पित होता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा यह वहाँ के एक स्थानीय देवता होते हैं और जो कि नरसिंह का अवतार माने जाते हैं, तो इनकी आराधना में ये जो नाटक होता है वो समर्पित होता है। और इसके बाद जो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि यह यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सूचीबद्ध है। दोस्तों, यूनेस्को की ढेर सारी सूचियाँ होती हैं, हम आने वाले लेक्चर्स में उसको भी समझेंगे। आपको केवल अभी इतना ध्यान में रखना है कि यूनेस्को की एक अमूर्त यानी इनटेंजिबल हम कह सकते हैं सांस्कृतिक विरासत जो है उसकी सूची में यह सूचीबद्ध है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। और जो इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये लोग मुखौटा पहुँचते हैं, मुखौटा पहनते हैं किसका, नरसिंह देवता का। तो दोस्तों, ये जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी आज हमने डिस्कशन की, अनुष्ठानिक कलाओं के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, अनुष्ठानिक नाट्य कलाएँ कितनी होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं मनोरंजन नाट्यकला और दक्षिण भारतीय नाट्यकला के बारे में समझेंगे और UPSC के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, जिससे हम और अधिक ऊर्जा के साथ नए नए वीडियोज़ बनाएं। धन्यवाद।